हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास ट्वेल्थ की यूनिट है 12, उसका जो क्वेश्चन 4 है वो देखेंगे। इससे पहले जो इसके 3 क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स वेयर एवर पॉसिबल गिव ऑल्सो कॉमन नेम्स। हमें बताने हैं जो गिवन कंपाउंड्स हैं इनके IUPAC नेमिंग, और पॉसिबल हो सकता है तो हमें ये भी बताना है कि जो उनके कॉमन नेम है ना वो क्या होंगे। तो देखो वन बाय वन हम अब इनको डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट से लेके चलेंगे। तो फर्स्ट को हम पहले अपना बनाते हैं सी डबल बॉन्ड ओ। उसके बाद देखो CH2 की 4 है, CH3 होता तो हम लगा लेते कि इस कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन CH2 की 4 है तो मतलब यहाँ पे आएंगे CH2 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 एंड CH2, हो गए अपने 4, देन CH3। अब हमें देनी है इसको नंबरिंग, तो इसको जो नंबरिंग देंगे ना हम कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल क्या हो जाएगा अपना, 7 जो कार्बन होते हैं उनके लिए यूज होता है हेप्ट, HEPT हेप्ट। 2 पोजीशन पे है अपना ओन, तो जो इसका IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग नेम होगा वो होगा हेप्ट, और 2 पोजीशन पे है अपना ओन, ठीक है। और जो इसका कॉमन नेम होता है ना वो क्या होता है, देखो मिथाइल है, उसके बाद एन पेंटाइल। कीटोन के लिए तो हमने इतने को तो क्या माना, कीटोन मान लिया, और 1 2 3 4 5, और इनको हमने क्या माना, पेंटाइल माना, ठीक है। तो इसको जो हमने क्या मान लिया, ये अपना कीटोन है, एक अपना मिथाइल है और एक एन पेंटाइल है। तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, ये तो है इसकी IUPAC, और कॉमन नेम हो जाएगा एन, सॉरी पहले क्या लेंगे हम, पहले है अपना मिथाइल, उसके बाद एन पेंटाइल, पेंटाइल किसके लिए, 5 कार्बन के लिए, उसके बाद कीटोन। ये थी अपनी IUPAC नेमिंग और ये था इसका कॉमन नेम, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, क्या है वो, CH3 CH2 CH Br CH2। तो पहले इसके बनाते हैं CH Br CH CH CH। अभी ये ब्रैकेट है तो मतलब ये CH3 इसके साथ लगा हुआ है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन H। अब हमें इसको देनी है नेमिंग, पहले IUPAC नेमिंग के लिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेग्ज। 2 पोजीशन पे अपना है मिथाइल और 4 पोजीशन पे है अपना ब्रोमो। तो यहाँ से इसका नाम क्या देंगे हम, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्जेनल। तो यहाँ से देखो ब्रोमो और मिथाइल में से जो बी आता है ना वो पहले आता है मिथाइल की बजाय, तो इसीलिए हमने इसको पहले लिखा है। अब हम देखेंगे क्या इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से हम देखें तो जो अपनी अल्फा पोजीशन है उस पे तो क्या हुआ, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, जिस भी कार्बन से अपना ये अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ये हो गई अपनी बीटा एंड देन गामा। तो ये क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे अपना क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम पहले उसको लिखेंगे क्या, गामा ब्रोमो। गामा पोजीशन पे है अपना ब्रोमो, अल्फा पोजीशन पे है अपना मिथाइल, और क्या हो जाएगा, कैप्रो एल्डिहाइड। कैप्रो एल्डिहाइड किसके लिए यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं कैप्रो एल्डिहाइड। क्या कि जब अपने एल्डिहाइडिक ग्रुप में 6 कार्बन होती हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कैप्रो एल्डिहाइड। तो ये था इसका कॉमन नेम। अब हम चलते इसके थर्ड एग्जाम्पल पे, तो देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, पहले हम इसको बनाते हैं CH2 5 CH2 बनाने हमें, CH2 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 एंड देन C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। तो इसकी जब हम नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 के लिए क्या आएगा, हेप्ट, और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए क्या आएगा, हेप्टेन, और इसके लिए आएगा अल्टो हेप्टेनल। तो ये हो गया अपना इसका नाम, कॉमन नेम इसका पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके अलावा तो इस पे कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है जिसके हिसाब से हम इसकी नेमिंग देंगे, तो इसका जो कॉमन नेम है वो पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ एग्जाम्पल पे, तो पहले इसको भी बना लेते हैं। पीएचसी
H डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड देन H, 1, 2, 3, थ्री पोजीशन पे अपनी फिनाइल है, और अपनी जो टू पोजीशन पे एन है, और द वन पोजीशन पे क्या है, अल है, तो थ्री फिनाइल प्रोपेन, प्रोप टू एन, टू पे है एन और वन पे है क्या, अल, क्या, थ्री फिनाइल प्रोप टू इन एंड वन अल। और जो इसका नाम होगा ना, जो इसका कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, बीटा फिनाइल। जैसे ये जो भी अपनी कार्बन है, ये अपनी किस फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, अल्फा, और बीटा पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा फिनाइल एक्रो, कैसे कि बीटा पोजीशन पे फिनाइल है एंड देन एक्रोलीन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या फिफ्थ एग्जाम्पल इसका, फिफ्थ में क्या है, साइक्लोपेंटेन है, और जब भी हमने अपनी जो बेंजीन रिंग है या जिस भी रिंग से अपना जो एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होता है, तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बे एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल नेम, साइक्लोपेंटेन कार्बे एल्डिहाइड। और जो इसका नॉमन, इसका जो कॉमन नेम होगा वो भी सेम एज इट इज ही होगा, क्योंकि इसमें ऐसे एज इट इज कोई फंक्शनल ग्रुप इतने खास है नहीं। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, पी एच, सी डबल बॉन्ड ओ एंड पी एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल मिथेनोन, डाई फिनाइल की दो तो फिनाइल है और मिथे एक कार्बन पे कीटोन है, तो मिथेनोन, ठीक है। ये तो था इसका आईयूपीएसी नेमिंग, और इसका कॉमन नेम क्या होएगा, सिंपल बेंजो फिनोन। बेंजो क्यों, एक को तो हमने क्या ले लिया, बेंजो, मतलब एक को तो, इसको तो हमने बना लिया फिनोन, और इसको मान लिया बेंजीन, तो बेंजो फिनोन। तो यहाँ पे जो अपना एक क्वेश्चन है फोर्थ वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।